उस भव्य सभा में माननीय व्यक्ति, नागरिक, मित्रगण, संबंधी, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यगण उपस्थित थे। वहां अपने भ्राताओं एवं सभी की उपस्थिति में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया। मेरे प्रिय श्री कृष्ण, राजसुई नामक यज्ञ सम्राट द्वारा संपन्न किया जाता है और इसे सभी यज्ञों का राजा माना जाता है। इस यज्ञ को संपन्न करके मैं सभी देवताओं को संतुष्ट करना चाहता हूँ जो इस भौतिक विश्व के अंदर आपके समर्थ प्रतिनिधि हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप कृपा पूर्वक इस महान कार्य में मेरी सहायता करें जिससे उसे सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। जहाँ तक हम पांडवों का प्रश्न है, हमें देवताओं से मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से आपके भक्त बनकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। जैसा कि आप कहते हैं, जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से भ्रमित है वो देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य भिन्न है। मैं इस राजसुई यज्ञ को संपादित करना चाहता हूँ और देवताओं को आमंत्रित करके ये दिखाना चाहता हूँ कि उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपसे स्वतंत्र हो। वो सभी आपके दास हैं और आप श्री भगवान हैं। ज्ञान के अभाव वाले मूर्ख व्यक्ति आपको सामान्य मानव मात्र मानते हैं। कभी कभी वो आप में दोष निकालने का प्रयत्न करते हैं और कभी कभी वो आपकी अपकीर्ति करना चाहते हैं। इसलिए मैं ये राजसुई यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। मैं श्री ब्रह्मा जी, शिव जी, स्वर्ग लोकों के अन्य प्रमुख सभी देवताओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। उस सभा में मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि आप श्री भगवान हैं और प्रत्येक व्यक्ति आपका दास है। मेरे प्रिय भगवान, जो व्यक्ति सदैव कृष्ण भावनामृत में है और जो आपके चरण कमलों और आपकी पादुकाओं का स्मरण करता है, वो भौतिक जीवन के प्रदूषण से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में आपकी सेवा में संलग्न है, जो व्यक्ति केवल आपका चिंतन करते हैं और जो आपके सम्मुख प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, वो विशुद्धात्मा है। सदैव कृष्ण भावनामृत सेवा में संलग्न होने के कारण ऐसे व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। वो भौतिक ऐश्वर्यों का भोग करने और भौतिक जीवन के इस बंधन से मुक्त होने की भी कामना नहीं रखते। उनकी कामनाएं कृष्ण भावना भवित कार्यों से पूर्ण हो जाती हैं। जहां तक हमारा प्रश्न है, तो हम आपके चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हैं और आपकी कृपा से आपको व्यक्तिगत रूप से देख पाने के भाग्यशाली हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से भौतिक ऐश्वर्यों की इच्छा में नहीं है। वैदिक ज्ञान का निर्णय है कि आप श्री भगवान हैं। मैं इस तथ्य को स्थापित करना चाहता हूँ और मैं विश्व को दिखाना चाहता हूँ कि आपको श्री भगवान के रूप में स्वीकार करने और साधारण व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने में कितना अंतर है। मैं विश्व को दिखाना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति आपके चरण कमलों की शरण लेने मात्र से जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जड़ों में पानी देने से वो उस वृक्ष की शाखाओं, टहनियों, पत्तियों और फूलों को संतुष्ट कर सकता है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसका जीवन भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप कृष्ण भक्त के पक्षपाती हैं और अभक्त के प्रति उदासीन हैं। आप सभी के लिए एक समान हैं, यह आपकी घोषणा है। आप एक व्यक्ति का पक्षपात करके दूसरे के उदासीन नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा के रूप में आप सभी में विद्यमान हैं और प्रत्येक व्यक्ति को उसके सकाम कर्मों का फल देते हैं। आप प्रत्येक जीवात्मा को उसके इच्छानुसार इस भौतिक जगत का रसास्वादन करने का अवसर देते हैं। परमात्मा होने की वजह से आप जीवात्मा के साथ शरीर में विद्यमान हैं और जीवात्मा को उसके अपने कार्यों का फल देते हैं और साथ ही कृष्ण भावनामृत को विकसित करके अपनी भक्ति करने का सुअवसर भी प्रदान करते हैं। आप स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि सभी अन्य धर्मों को त्याग कर हमें आपके प्रति समर्पित होना है। आप आगे घोषणा करते हैं कि जो कोई सभी अन्य कर्मों का त्याग करके आपके प्रति समर्पित होता है, आप उसका उत्तरदायित्व लेंगे और सभी पाप कर्मों के परिणामों से उसे मुक्त कर देंगे। आप कल्प वृक्ष की भांति हैं जो मनोवांछित वर देते हैं। हर व्यक्ति सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु यदि कोई इसकी इच्छा ना करे तो आपके द्वारा उसे कोई छोटा वर प्रदान करना पक्षपात नहीं है। महाराज युधिष्ठिर का ये कथन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। मेरे प्रिय महाराज युधिष्ठिर, हे शत्रुओं के हंता, हे आदर्श न्याय के प्रतिरूप, राजसुई यज्ञ को संपन्न करने के आपके निर्णय का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। इस महायज्ञ का संपादन करके मानव सभ्यता के इतिहास में आपका शुभ नाम सदैव स्थापित रहेगा। मेरे प्रिय राजा, मैं आपको सूचित करता हूँ कि मुझ सहित आपके रिश्तेदारों एवं मित्रों, सभी महर्षियों, आपके पूर्वजों एवं देवताओं की ये इच्छा है कि आप इस यज्ञ को संपन्न करें, और मेरा विचार है कि उससे प्रत्येक जीवात्मा को संतोष प्राप्त होगा। चूंकि ये आवश्यक है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सर्वप्रथम
आप विश्व के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करें और इस महायज्ञ को संपन्न करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लें। मेरे प्रिय महाराज युधिष्ठिर, आपके चारों भ्राता वायु इंद्र इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण देवताओं के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं। आपके भ्राता महान वीर हैं और आप अत्यंत पुण्यवान एवं आत्मसंयमित राजा हैं, इसलिए धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं। मेरे प्रति भक्ति में आप सब इतने योग्य हैं कि आपने स्वचालित रूप से मुझे जीत लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया कि वो उस व्यक्ति के प्रेम से पराजित हो जाते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। जिसने इंद्रियों को नहीं जीता है वो श्री भगवान पर कैसे विजयी हो सकता है? भक्ति का यही रहस्य है। इंद्रियों को जीतने का अर्थ है कि उनको श्री भगवान की सेवा में निरंतर लगा देना। सभी पांडवों भाइयों का विशेष गुण था कि वो सदैव अपनी इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाए रखते थे। जो व्यक्ति इस प्रकार अपनी इंद्रियों को लगाए रखता है वो विशुद्ध हो जाता है और विशुद्ध इंद्रियों से श्री भगवान की वास्तविक सेवा करता है। इसलिए प्रेममयी दिव्य सेवा के द्वारा भक्त श्री भगवान पर विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, ब्रह्मांड के तीनों लोकों में शक्तिशाली देवताओं सहित ऐसा कोई नहीं है जो मेरे भक्तों को इन 6 ऐश्वर्यों में पराजित कर दे। ये ऐश्वर्य इस प्रकार है, धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए यदि तुम्हें सांसारिक महाराजाओं को जीतना है तो उनके द्वारा विजय होने की तनिक भी संभावना नहीं है। जब इस प्रकार श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रोत्साहित किया तो महाराज का चेहरा दिव्य आनंद से खिलते हुए फूल की भांति चमक उठा और उन्होंने अपने छोटे भाइयों को प्रत्येक दिशा में सभी राजाओं को पराजित करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के नास्तिक दुष्टों को दंड देने एवं अपने निष्ठावान भक्तों की रक्षा करने के उनके महान कार्य का पालन करने की शक्ति प्रदान की। अपने श्री विष्णु रूप में श्री भगवान अपने 4 हाथों में 4 प्रकार के शस्त्र धारण करते हैं। 2 हाथों में वो कमल पुष्प और शंख धारण करते हैं और अन्य 2 हाथों में वो गदा और चक्र धारण करते हैं। गदा और चक्र अभक्तों के हेतु है, परंतु श्री भगवान परम सत्य है, इसलिए उनके सभी शस्त्रों का फल एक ही होता है। गदा एवं चक्र से वो नास्तिकों को दंड देते हैं जिससे वो होश में आकर ये समझ जाए कि वो ये सब कुछ नहीं है, उनके ऊपर श्री भगवान है। शंख को बजाकर एवं कमल पुष्प से आशीर्वाद देकर वो सदैव भक्तों को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें कोई भी पराजित नहीं करा सकता, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के संकेत से आश्वस्त होकर युधिष्ठिर महाराज ने अपने सबसे छोटे भ्राता सहदेव सहित सृंजय वंश के सैनिकों को आदेश दिया कि वो दक्षिणी देशों को पराजित करें। उसी प्रकार उन्होंने नकुल सहित मत्स्य देश के सैनिकों को पश्चिमी दिशा के राजाओं को पराजित करने का आदेश दिया। उन्होंने केकय देश के सैनिकों को अर्जुन के साथ उत्तरी दिशा के राजाओं को हराने का आदेश दिया और भीमसेन सहित मद्रास के सैनिकों को आदेश दिया कि वो पूर्वी दिशा के राजाओं पर विजय प्राप्त करें। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अपने भ्राताओं को विभिन्न दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए भेजने के पीछे महाराज युधिष्ठिर का वस्तुतः ये उद्देश्य नहीं था कि वो राजाओं पर हमला बोल दे। वास्तव में उनके भ्राता विभिन्न दिशाओं में राजाओं को महाराज युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के इरादे का समाचार देने गए। इस प्रकार राजाओं को ये सूचित किया गया कि यज्ञ को पूरा करने के लिए उन्हें कर देना पड़ेगा। राजा युधिष्ठिर को कर देने का ये अर्थ होता था कि उस राजा ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है। इस प्रकार का कार्य करने के लिए किसी राजा द्वारा अस्वीकृति की स्थिति में युद्ध अवश्यंभावी होता था। अतः उनकी शक्ति एवं प्रभाव के द्वारा उनके भ्राताओं ने विभिन्न दिशाओं के राजाओं को पराजित कर दिया और उन्होंने पर्याप्त धन एवं उपहार एकत्रित कर लिए जिन्हें लाकर महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। जब महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि मगध के राजा जरासंध ने उनके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया है तो वो अत्यंत उद्विग्न हो उठे। महाराज युधिष्ठिर की उद्विग्नता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने राजा जरासंध को पराजित करने के लिए उद्धव द्वारा निर्मित योजना की जानकारी दी। भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जरासंध की राजधानी गिरिव्रज के लिए ब्राह्मणों की वेशभूषा में एक साथ निकल पड़े। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर जाने के पूर्व उद्धव ने ये योजना बनाई थी और अब उसे व्यवहारिक रूप दिया गया। राजा जरासंध एक कर्तव्यपरायण गृहस्थ था और वो ब्राह्मणों का अत्यंत आदर करता था। वो एक महान योद्धा क्षत्रिय राजा था, किंतु वैदिक आदेशों की कभी भी उपेक्षा नहीं करता था। वैदिक आदेशों के अनुसार ब्राह्मणों को अन्य सभी जातियों का गुरु माना जाता है। श्री कृष्ण, श्री अर्जुन एवं श्री भीमसेन वास्तव में क्षत्रिय थे, परंतु उन्होंने स्वयं
ब्राह्मण का रूप धारण किया और वो उस राजा जरासंध के पास गए जो ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाला एवं दानी था। ब्राह्मणों की वेशभूषा में भगवान श्री कृष्ण ने राजा से कहा, हम आप श्रीमान की महिमा की जय जयकार करते हैं। हम आपके शाही महल के 3 अतिथि हैं और हम बहुत दूर से आ रहे हैं। हम आपसे दान मांगने आए हैं और हमें आशा है कि आप हमें वो सब कुछ देंगे जो हम आपसे मांगेंगे। हमें आपके कुछ गुणों के विषय में ज्ञान है। वो व्यक्ति जो सहनशील होता है वो कुछ भी सहने के लिए तत्पर रहता है, चाहे वो कितनी भी दुखद स्थिति में क्यों ना हो। जिस प्रकार अपराधी कितने भी निकृष्ट कार्य कर सकता है, उसी प्रकार आपके समान दानी पुरुष किसी के द्वारा मांगने पर कुछ भी दे सकता है। आपके जैसे महान व्यक्ति के लिए रिश्तेदारों एवं गैरों में कोई अंतर नहीं है। एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात भी सदैव जीवित रहता है। इसलिए कोई व्यक्ति जो ऐसे कार्यों को करने के लिए पूर्ण रूपेण उपयुक्त और सुयोग्य है, जो उसके अच्छे नाम को अमर कर सकते हैं, किंतु तिस पर भी वो ऐसा नहीं करता, तो महान व्यक्तियों की दृष्टि में वो निकृष्ट बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की उपयुक्त निंदा नहीं की जा सकती और दान देने में उसकी अस्वीकृति जीवन भर के लिए शोचनीय है। आप श्रीमान ने हरिश्चंद्र, रत्नीदेव और मुद्गल, जो धान के खेतों से चुने गए अन्न खाकर जीवित रहते हैं, और महाराज शिबी, जिन्होंने अपने शरीर से मांस देकर एक कबूतर के प्राणों की रक्षा की थी, जैसे दानियों के विषय में सुना होगा। इन महान व्यक्तियों ने इस अस्थायी और नाशवान शरीर को मात्र त्याग कर अमर प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। इस प्रकार ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने जरासंध को सूचित किया कि कीर्ति अविनाशी है, परंतु ये शरीर नाशवान है। यदि कोई व्यक्ति अपने नाशवान शरीर को त्याग कर अविनाशी नाम और कीर्ति प्राप्त कर लेता है, तो मानव सभ्यता के इतिहास में वो सम्मानित व्यक्ति बन जाता है। जब ब्राह्मण के वेश में श्री अर्जुन एवं श्री भीम के साथ श्री कृष्ण बोल रहे थे, तब जरासंध ने ध्यान दिया कि वो दोनों ब्राह्मण नहीं लग रहे थे। धनुष उठाने की वजह से उनके कंधों पर दबाव के निशान थे, उनके शरीर सुडौल थे और उनकी वाणी गंभीर एवं प्रभावशाली थी। अतः उसने दृढ़तापूर्वक निष्कर्ष निकाला कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय थे, किंतु वो ब्राह्मणों की भांति भिक्षा मांगने उसके द्वार पर आए थे। इसलिए उसने निश्चय किया कि उनके क्षत्रिय होते हुए भी वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि इस प्रकार उसके सम्मुख प्रकट होकर भिक्षा मांगने से ही उनकी स्थिति नष्ट हो चुकी थी। इन परिस्थितियों में उसने सोचा, मैं उन्हें कुछ भी लेने के लिए तैयार हूं। यदि वो मेरे शरीर को भी मुझसे मांगे तो उन्हें उसे दे देने में मैं जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। इस संदर्भ में वो बलि महाराज के विषय में सोचने लगा। ब्राह्मण के वेश में विष्णु जी बलि के सम्मुख प्रकट हुए और उसका सारा ऐश्वर्य और राज्य छीन लिया। उन्होंने इंद्र के लाभ के लिए ऐसा किया क्योंकि बलि महाराज द्वारा परास्त होने पर वो राज्य विहीन हो गया था। वैसे तो बलि महाराज को धोखा दिया गया था, फिर भी जो सर्वस्व दान में दे सकता था, ऐसे महान भक्त के रूप में आज उनकी ख्याति का यशगान 3 लोकों में किया जाता है। बलि महाराज ने अंदाज लगा लिया था कि वो ब्राह्मण स्वयं श्री विष्णु है और इंद्रदेव की ओर से उसके ऐश्वर्य को ले लेने मात्र के लिए आए हैं। बलि के गुरु महाराज और पारिवारिक पुजारी शुक्राचार्य ने अनेकानेक बार इस विषय में चेतावनी दी। उसके उपरांत भी ब्राह्मण ने जो कुछ मांगा, बलि ने वो सब दान में दे दिया और अंत में उसने उस ब्राह्मण को अपना सर्वस्व दे दिया। जरासंध ने सोचा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि यदि इस नाशवान शरीर को त्याग कर मैं अमर प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ, तो मुझे उस उद्देश्य के लिए कार्य करना चाहिए। उस क्षत्रिय के जीवन की अवश्य निंदा की जाती है जो ब्राह्मण के कल्याण के लिए नहीं जीता। वास्तव में ब्राह्मणों को दान देने में जरासंध अत्यंत उदार था, इसलिए उसने श्री कृष्ण, श्री भीम एवं श्री अर्जुन को सूचित किया, मेरे प्रिय ब्राह्मणों, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। यदि तुम चाहो तो मेरा सिर भी ले सकते हो, मैं उसे देने को तैयार हूँ। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने जरासंध को इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय राजन, कृपया ध्यान दीजिए कि हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, ना ही हम धन धान्य मांगने आए हैं। हम क्षत्रिय हैं और हम आपसे एक द्वंद युद्ध की मांग करने आए हैं। हमें आशा है कि आप हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। आप ध्यान कर सकते हैं कि यहाँ पर पांडु के द्वितीय पुत्र भीमसेन एवं तृतीय पुत्र अर्जुन भी उपस्थित हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारा पुराना शत्रु एवं पांडवों का भाई श्री कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वास्तविकता बतलाई तो राजा जरासंध जोर जोर से हंसने लगा और फिर अत्यंत क्रोधित एवं गंभीर ध्वनि में उसने चिल्लाकर कहा, मूर्खों,
यदि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा निवेदन स्वीकार करता हूँ, परंतु कृष्ण मैं जानता हूँ कि तुम कायर हो। मैं तुमसे युद्ध करने से इनकार करता हूँ क्योंकि तुम मुझसे लड़ते समय घबरा जाते हो। मेरे डर से तुमने अपने शहर मथुरा को भी छोड़ दिया और अब तुमने सागर के भीतर शरण ले ली है, इसलिए मैं तुमसे युद्ध करने से इनकार करता हूँ। जहाँ तक भीमसेन का प्रश्न है तो मैं सोचता हूँ कि मुझसे लड़ने के लिए वो उपयुक्त प्रतिस्पर्धी है। इस प्रकार बोलने के बाद राजा जरासन ने तत्काल ही एक बहुत भारी गदा भीमसेन को दी और स्वयं ने एक दूसरी गदा ले ली और वो सभी लोग युद्ध करने हेतु शहर की सीमा से बाहर गए। भीमसेन और राजा जरासन युद्ध करने में संलग्न हो गए और शक्तिशाली गदाओं से बिजली के समान वो जोर जोर से एक दूसरे पर वार करने लगे। वो दोनों ही युद्ध के लिए उत्सुक थे। वो दोनों ही गदाओं से युद्ध करने की कला में सनिपुण थे। एक दूसरे पर वार करने की उनकी तकनीक इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता कि दो नट मंच पर नृत्य कर रहे हैं। जब जरासंध और भीमसेन की गदाएं जोर से टकराती तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि दो योद्धा हाथियों के विशाल दांतों की टक्कर के समान अथवा तूफान में चमकती हुई बिजली के समान प्रतीत होती। जब गन्ने के खेत में दो हाथी युद्ध करते हैं तो प्रत्येक हाथी गन्ने के तने उखाड़ लेता है और अपनी सूंड में उसे पकड़कर एक दूसरे पर आक्रमण करता है। उसी प्रकार अपने शत्रु के कंधों, भुजाओं, हसलियों, छाती, जंघाओं, कमर और पैरों पर प्रहार करता है और इस प्रकार गन्ने के तने चकनाचूर हो जाते हैं। उसी प्रकार जरासंध और भीमसेन के द्वारा प्रयुक्त गदाएं टूट चुकी थी, इसलिए दोनों शत्रु अपनी शक्तिशाली भुजाओं से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जरासंध एवं भीमसेन दोनों क्रोधित थे और अपनी मुट्ठियों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उनकी मुट्ठियों का टकराव लोहे की सलाखों के भिड़ने और बिजली की कड़कड़ाहट के समान प्रतीत होता था। उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि दो हाथी युद्ध कर रहे हैं। दुर्भाग्य से वो आपस में किसी को भी पराजित नहीं कर पाए क्योंकि दोनों युद्ध कला में निपुण थे। दोनों की शक्तियां एक समान थी और युद्ध की उनकी तकनीक भी एक समान थी। ना तो जरासंध ना ही भीमसेन युद्ध में पराजित हुए और ना ही उन्होंने किसी थकावट का अनुभव किया। वैसे तो वो निरंतर एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। दिवस की समाप्ति होने पर दोनों जरासंध के महल में मित्र बनकर रहते और अगले दिन वो फिर युद्ध करने लगते। इस प्रकार लड़ते लड़ते उन्होंने 27 दिन व्यतीत किए। 28वें दिन भीमसेन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरे प्रिय श्री कृष्ण, मुझे निसंकोच स्वीकार करना चाहिए कि मैं जरासंध को पराजित नहीं कर सकता। किंतु श्री कृष्ण जरासंध के जन्म के रहस्य के विषय में जानते थे। जरासंध दो भागों में एवं दो माताओं से उत्पन्न हुआ था। जब उसके पिता ने देखा कि वो शिशु बेकार है तो उसने दोनों भागों को जंगल में फेंक दिया, जिन्हें बाद में जरा नामक डायन ने खोज निकाला। ऊपर से नीचे तक उस शिशु के दोनों भागों को जोड़ने में वो सफल हो गई। श्री कृष्ण को ये भी ज्ञात था कि उसे किस प्रकार मारा जा सकता है। उन्होंने भीमसेन को संकेत किया कि जरासंध को उसके शरीर के दो भागों को जोड़कर जीवित किया गया था, इसलिए उन दो भागों को अलग अलग करके ही मारा जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति को भीम के शरीर में स्थानांतरित कर दिया और उन्हें उस विधि के विषय में सूचित किया जिसके द्वारा जरासंध को मारा जा सकता है। तुरंत ही श्री कृष्ण ने वृक्ष से एक टहनी तोड़ी और उसे हाथ में पकड़कर दो हिस्से कर दिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीमसेन को संकेत दिया कि किस प्रकार जरासंध को मारा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है और यदि वो किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं तो कोई भी उस व्यक्ति को नहीं बचा सकता। उसी प्रकार यदि वो किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई भी उस व्यक्ति को मार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण के संकेतों के अनुसार भीमसेन ने तत्काल ही जरासंध के पैरों को पकड़ा और उसे धरती पर जोर से पटक दिया। जब जरासंध धरती पर गिर गया तो भीमसेन ने तत्काल ही जरासंध के एक पैर को धरती पर दबाया और दूसरे पैर को अपने दोनों हाथों से उठाया। जरासंध को इस प्रकार पकड़कर उसने गुदा से लेकर सिर तक उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिए। जिस प्रकार हाथी एक वृक्ष की टहनियों के दो टुकड़े करता है, उसी प्रकार भीमसेन ने जरासंध के शरीर के दो भागों को अलग अलग कर दिया। समीप खड़े हुए प्रेक्षकों ने देखा कि जरासंध का शरीर अब दो भागों में विभाजित हो गया है, जिसकी वजह से प्रत्येक भाग में एक पैर, एक जांघ, एक अंड, एक वक्ष, आधी रीढ़ की हड्डी, आधी छाती, एक हंसली, एक भुजा, एक आंख, एक कान और आधा चेहरा था। जैसे ही जरासंध की मृत्यु के समाचार की घोषणा हुई, वैसे ही मगध के सभी नागरिक हाय हाय करके चिल्लाने लगे, जबकि भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन भीम को बधाई देने के लिए उनका आलिंगन करने लगे। वैसे तो जरासंध की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु ना तो श्री कृष्ण ने
और ना दोनों पांडवों भ्राताओं ने सिंहासन की मांग की। जरासंध को मारने का उनका उद्देश्य सांसारिक शांति में उत्पन्न बाधा को रोकना था। असुर सदैव ही बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि देवता सदैव जगत में शांति बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य धर्मपरायण लोगों की रक्षा करना और उन दानवों का वध करना है जो शांति में स्थिति को भंग करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जरासंध के पुत्र सहदेव को बुलाया और उचित धर्म क्रियाओं को संपन्न करके उसने अपने पिता की गद्दी पर बैठकर अपने राज्य पर शांतिपूर्वक शासन करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं और वो चाहते हैं कि सभी सुखपूर्वक रहें और कृष्ण भावनामृत का पालन करें। सहदेव को सिंहासन पर बैठाने के पश्चात उन्होंने उन सभी राजाओं एवं राजकुमारों को मुक्त कर दिया जिन्हें जरासंध ने अकारण ही बंदी बनाकर रखा था। अगले एपिसोड में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की हस्तिनापुर में वापसी के बारे में। हरे कृष्णा।